الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن عارضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم سائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين صدق الله العلي العظيم سورة فصلت कि 11 नंबर की आयतों तक गुफ्तगू हुई थी तो उसका तर्जुमा और मुख्तसर सी तफसीर आपकी खिदमत में पेश की थी और जहां से बात छूटी है वहीं से आज शुरू करते हैं।
उसके बाद उसने आसमान का रुख किया जो बिल्कुल धुआं था, और उसे ज़मीन को हुक्म दिया कि बखुशी या बकराहत हमारी तरफ आओ। तो दोनों ने अर्ज़ की कि हम इदात गुजार बनकर हाजिर हैं। फिर आसमानों को दो दिन के अंदर 7 आसमान बना दिए, और हर आसमान में उसके मामले की वही कर दी, और हमने आसमान दुनिया को चराहों से आरास्ता किया। क्या मतलब? हमने दुनिया के आसमान को चराहों से 7 आसमान बनाए, लेकिन जो दुनिया वाला आसमान था उसको चराहों से सजा दिया। सितारे, चांद, सूरज, ये सब हमने कंदीले लटका दी उसमें, ये दुनिया वाले आसमान में है, बाकी और कहीं नहीं है। फिर हमने आसमानों को दो दिन के अंदर सात आसमान बना दिए, हर आसमान में उसके मामले की वही कर दी, यानी वो उसे कैसे रहना है। और हमने आसमान दुनिया को, ये दुनिया वाला जो आसमान था, इसको चराग़ों से आरास्ता कर दिया, सजा दिया और महफूज भी बना दिया। इंसान लाख कोशिश कर ले, लाख तरक्की कर ले, सितारों पर जा सकता है, चांद पर जा सकता है, लेकिन आसमान की बुलंदियों को नहीं पहुंच सकता है। ये खुदाए अजीज व अलीम की मुकर्रर की हुई तकदीर है, उसका मुकद्दर किया हुआ है, और जो चीज वो मुकद्दर कर दे तो फिर उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। फिर अगर ये एराज करें तो कह दीजिए, ये अब फिर खिताब उनसे हो रहा जो रसूलुल्लाह के सामने थे, मक्के वाले कुफार और मुशरिकीन। फिर अगर ये एराज मतलब होता मुंह मोड़ना, अगर ये आपसे मुंह मोड़े तो कह दीजिए कि तुमको वैसी ही बिजली के अजाब से डराया है जैसी कौम आद और समूद पर नाजिल हुई थी। कौम आद और कौम समूद दो बहुत बड़ी दुनिया की कौमें थी, बड़ी मालदार, पत्थरों में घर बनाते थे, पहाड़ों को काट काट के महल बनाते थे, बहुत दौलतमंद, और हरा भरा इनका एरिया था, इनका इलाका था। इसलिए कुरान मजीद में उसका तस्करा आया है, और ये दोनों कौमें उसमें रहती थी, सब जैतून की खेती होती थी, सब चारों तरफ बागात थे, लेकिन नाफरमानी की बुनियाद पर और नबी खुदा और रसूल खुदा को छुटलाने की बुनियाद पर इनके ऊपर जो अजाब आया तो एक बिजली ने सब तबाह कर दिया। जो बिजली कड़कती है ना, एक बिजली ने उनके सारे सब जला के राख कर दिया, सब खत्म कर दिया। कहा कि अगर ये नहीं मानते हैं और आपसे मुंह मोड़ते हैं तो इनको वो अजाब याद दिलाइए कि जो हमने आद और समूद के ऊपर नाजिल किया था। जब इनके पास सामने से, जब उनके पास सामने से और पीछे से हमारे नुमाइंदे आए कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, तो उन्होंने कह दिया कि हमारा खुदा चाहता तो मलाइका को नाजिल करता, हम तुम्हारे पैगाम के कबूल करने वाले नहीं हैं। क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर नबी बनाना होता तो कोई मलक बन के आता, आप क्यों बने हो? हम आपको नबी मानते ही नहीं, आप तो हमारे जैसे हो, आप तो हमारे जैसे हो। नबी तो कोई मलक होता, कोई फरिश्ता होता, कोई अजूबा चीज होती, कोई अलग की कोई मखलूक होती, वो हमारे दरमियान आके कहती तुम अल्लाह की इबादत करो, तो हमको लगता कि उधर से बन के आया है। तुम तो हमारे जैसे हो, तो हम तुमको कैसे नबी माने, तो हम कैसे रसूल तुमको माने, तुम तो हमारे जैसे हो, हमारे जैसे चलते हो, हमारे जैसे बोलते हो, हमारे जैसे खाते पीते हो, तो अगर कोई मलक आता तो कबूल कर लेते। अब यहां के ऊपर तफसीर में भी है कि इंसान इनकार हकायक के लिए, इनकार हकायक के लिए कितने बहाने तलाश करता है। नहीं,
हकीकतों का इनकार करने के लिए या हक का इनकार करने के लिए इंसान कितने बहाने बनाता है और कितने बहाने तलाश करता है और किस किस तरह जान बचाना चाहता है। वरना खुली हुई बात है कि जिन लोगों ने अपने जैसे इंसान को देखकर पैगाम खुदा का इनकार कर दिया था और उस पर ईमान नहीं लाए थे, जबकि इब्तिदा से उसके किरदार का जायजा ले रहे थे और उसकी अमानत और सदाकत का तजुर्बा कर रहे थे, तो वो अगर मलाइका को भी देखते तो किस तरह ईमान ले आते, जबकि उनके बारे में ये भी मालूम नहीं था कि ये कौन हैं, कहां से आए हैं, किस तरह की मखलूक हैं। इन पर एतबार भी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो कैसे मान लेते जब तुमने तुम्हारे दरमियान एक ऐसा नबी जिसकी सदाकत का कलमा तुमने पढ़ा, जिसकी ईमानदारी का कलमा तुमने पढ़ा और उसको तुमने नबी नहीं माना, तो अगर फरिश्ता आता तो तुम कोई ना कोई उसमें भी कुछ ना कुछ निकाल देते कि ये तो ऐसा है ये तो वैसा है, इसको हम नबी मानते ही नहीं, लिहाजा उसका भी इनकार कर देते। फिर कौम आद ने जमीन में नाहक बुलंदी और बर्तरी से काम लिया और ये कहना शुरू कर दिया कि हमसे ज्यादा ताकत वाला कौन। ये कौम आद थी, मैंने बताया ना बहुत बड़ी कौमें थी दोनों, कौम आद और कौम समूद। ये कौम आद जो थी, इन्होंने इतने पैसे वाले थे, इतने दौलत वाले थे और इतने मजबूत थे, इन्होंने गुरूर पैदा हो गया, इनको घमंड आ गया कि अब हमसे ज्यादा ताकत वाला कौन है। तो क्या उन लोगों ने यह नहीं देखा कि जिसने उन सबको पैदा किया है वो बहरहाल इनसे ज्यादा ताकत रखने वाला है, लेकिन ये लोग हमारी निशानियों का इनकार करने वाले थे, तो हमने भी उनके ऊपर तेज और तुंद आंधी को उनकी नहुसत के दिनों में भेज दिया। तूफान आ गया, बिजली कड़की, हवाएं चली, बारिश हुई, सब तहस नहस हो गया देखते ही देखते। ताकि उन्हें जिंदगानी दुनिया में भी रुसवाई के अजाब का मजा चखाएं और आखिरत का अजाब तो ज्यादा रुसवा करने वाला है और वहां उनकी कोई मदद भी नहीं की जाएगी। दुनिया में तो फिर भी कोई ना कोई हाथ पकड़ लेता है, सहारा दे देता है। अभी तूफान आने की खबर मिली, फौरन गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया, दरिया पर से हट जाओ, किनारे किनारे से हट जाओ, तूफान आ रहा है, लड़ जाओ, तैयार हो जाओ, शहरों को भाई नाले नर्मदान के किनारे से वहां से। दुनिया में तो फिर भी तुम्हारी कोई मदद कर देता है, आखिरत में तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। और ये तो कौम आद थी, अब कौम समूद का सुनिए। कौम समूद को भी हमने हिदायत दी, लेकिन उन लोगों ने गुमराही को हिदायत के मुकाबले में ज्यादा पसंद किया। गुमराही को हिदायत के मुकाबले में ज्यादा पसंद किया, तो जिल्लत के अजाब की बिजली ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया और उन आमाल की बिना पर जो वो अंजाम दे रहे थे। ये बिल्कुल तय है बात कि जिन लोगों ने हिदायत के मुकाबले में गुमराही को पसंद किया और हक से मुंह मोड़ा, उन्हें एक ना एक दिन दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। यह निजाम है, बिल्कुल एकदम तय है। यह बात सिर्फ आखिरत के अजाब की नहीं है, परवरदिगार दुनिया में भी ऐसे मुरक्के, ऐसी तस्वीरें पेश करना चाहता है जिससे अकलमंदों की आंखें खुल जाएं कि नहीं, अगर गलत किया तो दुनिया में भी कुछ ना कुछ सामने आएगा। फिरौन और कारून से लेकर शाह ईरान और कार्टर और इधर सद्दाम तक, सब इस हकीकत की जिंदा दलील हैं। वक्त के सब नमरूद और फिरौन थे, लेकिन कैसा जलील हुए हैं। अगर इंसान निगाह इबरत से देखने की सलाहियत रखता हो और तारीख के वाकयात से इबरत हासिल करने की
उसके अंदर इस्तेदाद और सलाहियत हो, तो इन सब को देखने के बाद नसीहत लेगा कि अगर हक के मुकाबले में तुमने कुव्वत जमा की या हक से मुंह मोड़ा तो दुनिया में भी जलील होना है और आखिरत में तो जिल्लत और रुसवाई है ही है। और हमने उन लोगों को नजात दे दी जो ईमान लाने वाले और तकवा इख्तियार करने वाले थे। और जिस दिन दुश्मनान खुदा को जहन्नम की तरफ ढकेला जाएगा, फिर उन्हें जजर तौबीख की जाएगी, उनको जबरदस्ती उस तरफ ले जाया जाएगा, उनको तंबीह की जाएगी, यहां तक कि जब सब जहन्नम के पास आएंगे तो उनके कान और उनकी आंखें और जिल्द सब उनके आमाल के बारे में उनके खिलाफ गवाही देंगे, जो भी दुश्मनान खुदा है सब उनके खिलाफ गवाही देंगे, हाथ पैर जिल सब एक एक चीज बोलेगी कि इसने किस हिस्से से कौन सी अल्लाह की मासियत की है और कौन सा अल्लाह का गुनाह किया है। और वो अपने आजा से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ कैसे गवाही दे दी, तो वो जवाब देंगे कि हमें उसी खुदा ने गवाह बनाया है, हमें उसी खुदा ने गोया बनाया है जिसने सबको गोयाई अता की है और तुमको भी पहले दिन उसी ने पैदा किया और अब भी पलट कर उसी की बारगाह में जाओगे। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा उसे भी पाएगा और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा उसे भी पाएगा। परवरदिगार ने हमें और आपको जो इस दुनिया में भेजा है इसके ज़रिए से आखिरत को हासिल करना, लेकिन मुश्किल ये है कि हमें परवरदिगार ने दुनिया में इसलिए भेजा है कि दुनिया के ज़रिए से आखिरत को हासिल करना है, लेकिन हम यहाँ आने के बाद सिर्फ और सिर्फ दुनिया के हासिल करने में लग जाते हैं। दुनिया हम चाहे जितनी हासिल कर लें, हमें इत्मीनान और सुकून मुयस्सर नहीं हो सकता। एक मकाम पे मौला फरमाते हैं दूसरे इमाम कि अगर इंसान अपनी पूरी तवानाई के साथ दुनिया को हासिल करे, उसके सारे असबाब मुहैया हो जाएं, तो भी वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता। ये हमारी तमन्नाएं, ये हमारी आरज़ूएं, ये हमारी ख्वाहिशें दुनिया में पूरी होने वाली नहीं। अब ये है हकीकत में कोई भी मुश्किल है वो मुश्किल उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। खुदा न खास्ता कोई बीमार है, वही जानता है कि बीमारी की तकलीफ किसे कहते हैं। कोई खुदा न खास्ता रिस्क की वजह से परेशान है, तो उसे भी मालूम होता है कि वाकई कितनी मेहनत और मशक्क़त के बाद यह हासिल होता है। कोई लाइल्मी की बुनियाद पे परेशान है,
छोटी छोटी बातों को उसे दूसरे से पूछना पड़ता है, मालूम करना पड़ता है। एक पढ़ा लिखा है, ये बेचारा यहाँ से वहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया, नतीजा क्या होता है कि 4-6 घंटे ख़राब करता है, तब वो काम होता है। लेकिन साहिब इल्म है तो उसी को 2 मिनट के अंदर कर लेता है। हम आप मरीज हुए, खुदा न खास्ता किसी डॉक्टर के पास गए, बैठे हैं, घंटों के बाद दोबारा आया, दिखाया तो ये रिपोर्ट कर लो, वो कर लो, उसके बाद जो है वो आई फिर बैठे, ये हमें परेशान कौन कर रहा है? हमारी जहालत कर रहे हैं। हम तलाश ये करते जा रहे हैं कि हमारी जिंदगी इत्मीनान और सुकून से कैसे गुजरे। बच्चा भी चाहता है, जवान भी चाहता है, ज़ईब भी चाहता है, बीवी भी चाहती है, अजीज़ व अक़ारिब भी चाहते हैं कि हम लोग की ज़िंदगी में कोई टेंशन ना आए, कोई परेशानी ना आए और इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी गुजर जाए। हम तलाश तो कर रहे हैं कि हमें इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी गुजारना है, लेकिन हम गुजार नहीं पा रहे। वो भी परेशान हैं जिनके पास दौलत तो सर्वत है, वो भी परेशान हैं जिनके पास नहीं है। ऐसा क्यों है? या तो उसे खुश रहना चाहिए जिसके पास है, और अगर वो नुकसान का सबब है तो जिसके पास नहीं है उसे खुश रहना चाहिए। लेकिन खुश दोनों में से कोई नहीं है। चीजें बढ़ती जाती हैं, पैसे बढ़े, उसने कहा जरा सा गाड़ी ले लें, गाड़ी ले ली, अब वो कहीं निकली, हैरान टेंशन है, क्या हुआ, कहाँ पहुंची, किस जगह पहुंची, कहीं पंचर तो नहीं हुई, कहीं साइड तो नहीं लग गई, कहीं कुछ तो नहीं हुआ, टेंशन बढ़ता जा रहा। जो हम इत्मीनान और सुकून की जिंदगी तलाश कर रहे हैं, हम सोचते थे शायद ये ले लेंगे तो हमारे अंदर आसानी पैदा हो जाएगी। आसानी तो जरा सा पैदा हुई, टेंशन ज्यादा बढ़ गया। चाहे जितनी मिसालें आप देखते रहें, बहुत मेहनतों मशक्कत के साथ आपने एक बेहतरीन मकान बनाया, पड़ोसी गड़बड़ निकल गया, अब बेचने जा रहे हैं तो पैसे नहीं आ रहे हैं, रोज आए दिन प्रॉब्लम खड़ी है, तो अपना सोचने लगे, अरे भाई अगर हम भाड़े ही पे होते तो बहुत अच्छा था। लेकिन जब भाड़े वाले के पास पहुंचे उसने कहा, साहब हर पहली तारीख को दे देता हूं, लेकिन 8 महीना नहीं गुजरता कि आर्डर आ जाता है कि साहब 2 महीने के बाद आपका वक्त पूरा हो गया। अब वो 2 महीना भी बेचैनी, कैसे सामान बदलूंगा, क्या करूं क्या नहीं करूंगा। तो ये समझता था ले लेंगे तो खुश रहेंगे, और जिसने ले लिया वो सोचता था कि भाड़े पर हूं तो खुश रहूंगा। खुशी अल्लाह ने यहां रखी ही नहीं है। हम गलत ट्रैक पर तलाश कर रहे हैं, यानी हमारी दिशा सही नहीं है। अगर हम खुशगवार जिंदगी तलाश करना चाहते हैं तो जहां हम तलाश कर रहे हैं, जाना है अहमदाबाद, जा रहे हैं सीहोर वाले रोड पे, तो अहमदाबाद थोड़ी जाएगा, पता नहीं कहां हम राजकोट पहुंच जाएं कि कहां पहुंच जाएं, इसलिए कि रास्ता जो है एक नहीं है। तो ये मुश्किल है कि हम जिन चीजों में बेहतरीन मकान बनाया, सब कुछ किया, 7-6-7 रूम हो गए, सब कुछ हो गए, आज के जमाने में लाइट बिल मुसीबत बन गई। अभी 10 साल पहले इतनी बड़ी मुसीबत नहीं थी। आज आप देखिए जिसके 4-6 मकान हैं, 10-15-20 हजार आराम से आ जाती है। अभी धीरे धीरे टैक्सेस इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आइंदा 10 साल में मकान खुद ब खुद भाड़े का हो जाएगा। अभी इस जमाने में इतनी पहुंची है, 10 साल में देखिए कहां पहुंचती। तो कहने का मकसद यह है कि हम खुशगवार जिंदगी जहां तलाश करते हैं वहां नहीं है। मौला फरमाते हैं, खुशगवार जिंदगी उस शख्स की है जो अल्लाह की तकसीम पे राजी है। अल्लाह अगर हमें 2 जोड़े दे रहा है कपड़े, 2 टाइम खाने पीने का दे रहा है, और हम इस पर राजी हैं कि जो अल्लाह हमारे साथ कर रहा है बेहतर कर रहा है, खुश ये रहेगा।
वो नहीं खुश रहेगा। सुबह उठा बेचारा, बहुत मेहनत की, ये किया वो किया, पहले 10,000 की सर्विस करता था, फिर 20,000 कमाने लगा, अभी 20,000 रोज का कमाने लगा, लाख रुपए भी कमाया, लेकिन बेचैनी और बढ़ती चली जा रही है कि सुबह क्या होगा। तो इसे सुकून कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। सुकून किसे मिलेगा? जो अल्लाह की रजा पे राजी रहेगा। आपका काम है मेहनत करना। एक जगह मौला क्या फरमाते हैं, आप देखें कुरान में भी, कि उफव्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिलइबाद, दुआ करके अपने अम्र को अल्लाह के हवाले कर दो। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या तुम्हें देना है क्या नहीं देना है। अगर बच्चा अकलमंद है तो एक मर्तबा दो मर्तबा भले 2 साल का है किसी चीज की जिद करेगा, फिर समझ जाएगा कि नहीं ये हमारे लिए बेहतर नहीं, इसलिए अम्मी नहीं दे रही। फिर मौला फरमाते हैं अगर जिंदगी यानी बेहतरीन जिंदगी हुस्न अखलाक में, कोई भी हो, अपना हो, पराया हो, गैर हो, अगर आप अच्छे अखलाक से उससे बातचीत करेंगे तो आपकी जिंदगी खुशहाल होगी। आपको 10-20-50 आदमी मिलने वाले मिल जाएंगे, खैरियत पूछने वाले मिल जाएंगे, आपके करीब होने की कोशिश करेंगे। पाकीजा तरीन जिंदगी कनात की है, जितने कम में काम चल सके चलाते रहिए। हाँ, अब वो मालूम हुआ कि खाने पीने में भी, आप पहनने ओढ़ने में भी अल्लाह ने दिया, कुछ चीजें अल्लाह देखना चाहता है कि अल्लाह ने अगर दी है तो कम से कम कायदे का लिबास ही पहन ले, नहीं है तो कम से कम साफ तो पहन ले, उसको अच्छे से धुल के प्रेस करके तो पहन ले। अगर हर महीने आदमी नया नहीं ला सकता है, साल में 2-1 बनवाता है, साल भर चलाता है, तो कम से कम उसको साफ सुथरा, अल्लाह अच्छा देखना चाहता है। मौला फरमाते सबसे ज्यादा नेमत भरी जिंदगी उसकी है जिसे अल्लाह ताला ने कनाअत से नवाजा और उसे उसकी बीवी जो शरीके हयात है साले हो, नेक हो, परहेजगार हो, हम फिक्र हो, वो कुछ सोचती है, आप कुछ सोचते हैं, जिंदगी तल्ख हो जाएगी। चाहे जैसे आप गुजर बसर कर लें ये अलग बात है, लेकिन जिंदगी में मजा नहीं है। हम ख्याल होना चाहिए, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी को वो भी चलती हो। मौलाना मुत्तकियान फरमाते मैंने अच्छी जिंदगी को तलाश किया तो ख्वाहिशातें नफसानी के तर्क किए बगैर उसे हासिल न कर सका। आपका नफ्स हर वक्त, आप अभी नई बाइक लेके आइए, नई 4-व्हील ले आइए, 4-8 दिन अच्छी लगेगी, उसके बाद दूसरे ही की अच्छी लगेगी, अपनी नहीं अच्छी लगेगी। ये नफ्स है, जो है उस पर राजी रहिए। फिर मौला फरमाते बेहतरीन जिंदगी उस शख्स की है जिसके फजल व करम के साए में दूसरे लोग जिंदगी अच्छी गुजारे। मसलन 10 आदमी की हमारी फैमिली है, अब हम घर के अंदर भी इतनी डिक्टेटरशिप ना करें कि बच्चे अपनी जायज हाजात को भी मुतालबा ना कर सके, नहीं, उन्हें इत्मीनान और सुकून हो, उन्हें दीन की बातें बताना, राय हिदायत की बातें बताना सब कुछ ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से जिंदगी गुजारें कि उनको कोई तकलीफ ना हो। हम समाज माशरे के रहबर बन गए, हम मुख्यमंत्री बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके साए में लोग अच्छी जिंदगी गुजारें। हर वक्त तलवार रखी हुई है कि शायद सुबह पता नहीं क्या हो जाए, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये साथ रखेगा कि नहीं, सर्विस पे रखेगा कि नहीं, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, नहीं। फिर मौला फरमाते हैं बेहतरीन जिंदगी उस शख्स की है जिससे दूसरों की जिंदगी बेहतर तरीके से गुजर सके। हमें जैसे अपनी जिंदगी का ख्याल है वैसे ही दूसरों का भी ख्याल रहना चाहिए। 8वें इमाम फरमाते हैं से किसी ने जिंदगी के सिलसिले में सवाल किया, जिंदगी सबसे बेहतर होती है, फरमाया उस शख्स की जिंदगी जिसके साथ दूसरों की जिंदगी बेहतर गुजरे। 3री हदीस इस सिलसिले में
सारे जुमले मिलते जुलते मासूमीन के। किसी फिर पूछा किसकी जिंदगी सबसे बदतर होती है, फरमाया जिसकी जिंदगी में दूसरों की जिंदगी मुश्किल हो। अल्लाह ने हमें इख्तदार दे दिया, हर छोटी बड़ी चीज पे हैरान किए चले जा रहे हैं, परेशान किए चले जा रहे हैं। अरे भाई, आपका स्टाफ साथ में है 100 आदमी का 200 आदमी, को उनकी कभी मीटिंग रखिए, उनसे बातें करिए, उनके काम जो है उनके हवाले करिए, फिर उसके बाद अगर कोई कोताही करता है, आप अगर छोटी से छोटी चीजों पे बात पूछ करते रहेंगे तो आप नहीं काम कर पाएंगे। कुछ चीजों पे पूछना है, कुछ चीजों को नजरअंदाज करना। फिर आप देखें, मौला फरमाते हैं तीन चीजें जिंदगी को खराब कर देती हैं। तीन चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी को खराब कर देती हैं। जालिम हुक्मरान, बस जो हमने सोच लिया, तय कर लिया, जहन में आ गया, बस वही करेंगे, तुम्हारा क्या होगा, हमसे नहीं मतलब। अगर ऐसा हाकिम मिल जाता है तो जिंदगी बर्बाद। दूसरे, बुरा पड़ोसी। पड़ोसी बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। यानी जैसे हमें भाइयों के साथ हुस्न सुलूक करना है घर वालों को, उसी एतबार से हमें पड़ोसियों का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो हम दर्द रहे, हम उसके, वो हमारा। तीसरे, अगर खुदा न खास्ता किसी की घर वाली बच्चलन, बेकार है जिंदगी। चाहे जितनी दौलत हो, चाहे जितनी सर्वत हो, हम ये समझते हैं कोई नहीं जानता, पूरा समाज हमसे ज्यादा जानता है। हमारे घर की प्रॉब्लम हमसे ज्यादा समाज जानता है। अगर ऐसी हो गई तो फिर मौला फरमाते हैं तीन चीजें जिंदगी को खुशगवार नहीं बना सकती। अगर तीन चीजें हमारे पास हैं तो कभी भी हम हैप्पी नहीं हो सकते, खुश नहीं। कीना है, लोगों से जलते जा रहे हैं, कदूरत है। कब मौका मिले इसके साथ क्या, हसद है, इसका कारोबार कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे आगे जा रहा है। इसी तरीके से बदखुल्की, हमारा लोग क्या कर लेंगे, चाहे जो मुंह में आए हम कहते रहें, तो लोग हमसे 10 फीट दूर बैठने लगेंगे जिसके पास अक्ल है, सेंस, कर कुछ नहीं पाएगा। लेकिन अच्छे लोग हमसे दूर, जैसे कुत्ते के करीब मुसलमान और मोमिन नहीं खड़ा हो पाता, कब वो धूम हिला दे और आप नजीस हो जाएं। भाई यही हाल है बदखुल्क इंसान का, कब इसके मुंह से क्या निकल जाए कुछ पता नहीं, लिहाजा इससे दूर रहना चाहिए। जो शख्स बहुत सी बातों पर चश्मपोशी न करे और गुरूर को काबू में न रखे, इसकी जिंदगी बेचैनी से गुजरती है, तैश जिंदगी की लज्जत को खत्म कर देता है। यानी हम चाहे बीवी बच्चे हैं, चाहे हमारे पास किसी जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर हम उसकी अपने से नीचे वालों बहुत छोटी छोटी चीजों को देखते जाएंगे तो हमारी जिंदगी खराब होगी, इनकी नहीं होगी। इसी तरीके छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर देना, कभी हमारी जिंदगी खुशगवार नहीं होगी। इमाम फरमाते हैं अगर ये 5 सिफतें ना हो तो जिंदगी नामुकम्मल, उसकी अक्ल जायल और दिल परेशान रहता है। इनमें से ये 5 चीजें होना जरूरी है बेहतरीन जिंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत। चाहे जितने आला मनसब पे हो, कुछ हो, अगर तंदुरुस्ती नहीं तो मामला गड़बड़। नंबर 2, अमन सुकून। जिस गली जिस मोहल्ले में रहते हैं, कब मालूम हुआ कि बमबारी हो जाए, कब गोली चल जाए, क्या हो जाए, जिस मुल्क में है मिलिट्री शासन लगा हुआ है, तो जहां हम रह रहे हैं यहां भी अमन सुकून होना चाहिए। इसी तरीके से अपनी जरूरत के मुताबिक हमारे पास रिस्क कि जिससे हम अपनी बेसिकली जरूरत को पूरा कर सके। तीसरे, हम ख्याल साथी। इसलिए कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंसान अपने दिल की बात अपने दोस्त को बताता है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बीवी बच्चे भी हम ख्याल नहीं होते, उनका नजरिया कुछ और होता है, उनका मकसद कुछ और होता है, हमारा कुछ और होता है, तो हम बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं। भले हमारे फैमिली मेंबर हैं, लेकिन वही बात हम अपने दोस्त से जिक्र कर ले। तो हम ख्याल साथी भी होना जिंदगी के सुकून का सबब है, चाहे घर के अंदर हो चाहे बाहर हो।
मौला फरमाते हैं जिंदगी हुस्न तकदीर से कायम है और इसकी बता सहारा हुस्न तकदीर है। तकदीर पे तो मामला है लेकिन हमें तदबीर भी करना पड़ेगी। कहीं नहीं आया कि ढेर सारी दौलत हो, बहुत बढ़िया बंगला हो, बहुत बढ़िया गाड़ी हो तब सुकून आएगा। सुकून कहां मिलेगा? इन चीजों में। सही मानों में जिंदगी तीन चीजों में है। बड़ा घर, घर जो है वो कुशादा। हम घर तो छोटा लेते हैं लेकिन डेकोरेशन जो है उसका, अगर वही डेकोरेशन के बजाय थोड़ी सी जगह में और उसात कर लें तो वो इस्लामी नुक्ता नजर से अच्छा है। लेकिन वो तो छोटा से छोटा होता है, लेकिन डेकोरेशन जो है उससे तीन गुना ज्यादा होता है। इस्लाम कहता है घर बड़ा। दूसरे, बीवी खुश, इखलाक और खूबसूरत, इसमें भी जिंदगी में लुत्फ और मजा। इसी तरीके से छोटे पेट की सवारी, यानी अगर हमारे पास अब तो घोड़ा खच्चर है नहीं, यानी ऐसी हो कि जिसमें माइलेज अच्छा आता, यानी बहुत ज्यादा खर्चे का घर ना हो, मेंटेनेंस कम आता हो, वो छोटे पेट की सवारी हो। हुस्न खल्क से जिंदगी अच्छी होती, खुल्क से जिंदगी अच्छी होती है। खातिर व मदारात में जिंदगी की सलामती है। कोई दोस्त आ गया, आपने उसे चाय के लिए पूछ लिया, पानी के लिए पूछ लिया, कोई अजीज, खातिर व मदारात में जिंदगी की सलामती है। अगर अपनी जिंदगी को सलामत, यानी आप बहुत से ऐसे हैं जो चल फिर तो रहे हैं लेकिन मर भी गए होते तो कोई फर्क ना पड़ता, उनका जिंदा रहना और मरना सेम। तो अगर आप अपनी जिंदगी को सलामत चाहते हैं तो खातिर व मदारात करते रहें। इमाम फरमाते हैं मेरे दिल को दुनिया में, दुआ करते हैं मौला, मेरे दिल को दुनिया में नरक और दुनियावी माश को आखिरत के सवाब से बहरमन न फरमा, आखिरत के सवाब से मुंह फेरने का सबब न बना। दुनिया में जिंदगी तो बस दो आदमियों की है, एक वो आलिम जो हक बात कहता है और दूसरे वो जो उस हक बात को सुनकर कबूल करता है, अमल मिला। कौन कहता है? पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि हकीकत में जिंदगी बस दो आदमी की, एक वो आलिम जो हक बात कहता है और एक वो शख्स जो सुनकर अमल पैरा होता है, अमल करने की कोशिश करता है। दुआ करते हैं परवरदिगार हम सबको अहले बैत की सीरत पे चलने की तौफीक इनायत फरमा, मज़ारात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, उलमाए इल्लाम के सायों को हमारे सरों पे बाकी फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके ऐवान व अंसार में शुमार फरमा। व तक़बल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گفتگو طہارت کی ہو رہی تھی اور پچھلے درس میں بتایا تھا کہ طہارت دو طریقے کی ہے، ایک ظاہری طہارت اور ایک باطنی طہارت۔ یہ جو ظاہری طہارت ہے یعنی جسم کا پاک ہونا یا لباس کا پاک ہونا یا غذا یعنی کھانے کا پاک ہونا یا اسی طریقے سے جگہ جہاں پہ انسان بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، اس کا پاک ہونا، یہ تمام چیزیں ظاہری طہارت سے تعلق رکھتی ہیں۔ طہارت عموماً جو ہوتی وہ پانی سے ہوتی ہے، اسی وجہ سے جب بھی طہارت کہا جاتا ہے تو پانی سامنے نظر میں آ جاتا ہے کہ جب پاک کرنے کا تصور جو ہے وہ پانی کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ مطہرات یعنی پاک کرنے والی چیزیں 12 ہیں، ان کو بیان ہوں گی وہ چیزیں، لیکن پانی ایک ایسی شے ہے کہ زیادہ تر طہارت کا تعلق پانی سے ہے۔ اگر آپ کا لباس نجس ہو جائے تو پانی پاک کرے گا،
अगर आपका जिस्म नजिस हो जाए तो पानी पाक करेगा, अगर आपका खाना नजिस हो जाए पानी पाक करेगा, आपने पेशाब किया है पानी पाक करेगा। इसी तरीके से बाकी और दूसरी नजासतें हैं कि जिनको पानी पाक करता है। पानी जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है मुतलक और एक होता है मुजाफ। मुतलक कहते खालिस पानी को, चोखा, जिसमें किसी भी तरीके की मिलावट ना हो। मुजाफ कहते हैं जिसमें किसी तरीके की कोई मिलावट हो। मसलन आपने उसमें पानी में गुलाब डाल दिया, इतना गुलाब के अब वो पानी ही कहा जाता है, गुलाब हो गया वो। गुलाब भी पानी ही से बनता है, अर्क गुलाब जो होता है, गुलाब का जो अर्क होता है उसमें पानी मिला देते हैं, उसी को अर्क गुलाब हो जाता है वो, तो गुलाब है। या इसी तरीके शरबत खोलते हैं या दूध है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मुसाफ में आती हैं। मुतलक पानी और मुसाफ पानी में फ़र्क ये है कि मुतलक पानी अगर कुर से ज़्यादा है तो जब तक कि उसका रंग बू या मज़ा न बदले वो नजिस नहीं होगा। और मुसाफ पानी ये जो है, अगर एक कतरा भी इसके अंदर, कितना ही पूरा हौज हो, अगर एक कतरा भी इसके अंदर नजासत चली गई तो सब के सब नजिस हो जाएगा। दूध का टैंकर है, अगर इसमें एक कतरा भी नजासत चली गई सब नजिस। पानी का टैंकर आ रहा है, जब तक कि इस पानी के टैंकर में नजासत के गिरने से इसकी रंग या बू या मजा नजासत से ना बदले तब तक ये पानी नजिस नहीं होगा। ये मुतलक और मुजाफ में फर्क है। इसी तरीके से मुजाफ खुद पाक होता है लेकिन दूसरे को पाक नहीं कर सकता है। आप दूध पाक है लेकिन आप पाक उससे कुछ और नहीं कर सकते हो। आप शरबत बनाते हो बाहर, वो शरबत पाक है, लेकिन आप शरबत से आप चाहो कि लाओ हाथ पाक कर ले, आपका हाथ पाक नहीं होगा या कोई और चीज पाक नहीं होगी। लेकिन पानी, पानी खुद भी पाक होता है और दूसरे को भी पाक करने की सलाहियत रखता है। अब इसके बाद फिर पानी की पांच किस्में हैं, उसमें कुएं का पानी है, जारी पानी है, बारिश का पानी है, ये सारी किस्में पांच जो इंशाल्लाह आने वाले दर्स में आपकी खिदमत में बयान होंगी। अगर कोई सवाल है तो बिस्मिल्लाह, सवाल नहीं है तो मैं फातिहा पढ़वा दूं। एक मरतबा सूरह हम की तिलावत फरमा कर इस दर्स में जो हजरात मौजूद हैं उनके मरहूमीन और वो हमारे तमाम उलमा और मराजे जो आज हमारे दरमियान में नहीं हैं, और मरहूम मीनाज अली इब्ने शब्बीर अली कानानी और तमाम मोमिनीन मरहूमीन के अरवाह के लिए एक सूरह फातिहा।